पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे सिक्योरिटी चेक होता है, लेकिन मैंने स्टॉप करवाया क्योंकि सारे आप एटमी के डिस्ट्रीब्यूटर हो, आते वक्त और जाते वक्त जेब चेक होती है, बैग चेक होती है, लेकिन मैंने बंद करवाई है आज। तो हमारा फर्ज है कि प्रोडक्ट को हाथ ना लगाएं, इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट को हाथ नहीं लगाएंगे। और आज का दूसरा है कि हम यहाँ पे जो माल रखा हुआ है नियर अबाउट 10 करोड़ का है अभी, और डेली 120 ऑर्डर जा रहे हैं। यदि आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो ये देखिए अभी हमारे ऑर्डर निकलने वाले हैं, करीबन 120 ऑर्डर निकल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ से 1200 ऑर्डर निकलने चाहिए डेली। तेरह स्टेट में जाता है यहाँ से, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, सेवन सिस्टर जो बांग्लादेश के उधर के साइड में, और सिक्किम, ये 13 स्टेट से यहाँ से जाता है, बाकी के सारे स्टेट का वहाँ उधर से जाता है, दिल्ली से। अभी चेंज करने वाले हैं, अभी जाता नहीं है क्योंकि यहाँ से ज़्यादा फ्लाइट है, इसलिए चेंज करने वाले हैं, तो वो डिसीजन लेके करेंगे जो भी करेंगे वो। और इंडिया पोस्ट भी यहाँ से चालू करेंगे, तो इंडिया पोस्ट चालू करने की वजह से सारे पिन कोड चालू हो जाएंगे, उसका डिस्कशन चल रहा है इंडिया पोस्ट के साथ यहाँ से। तो हमारे जो 1000 के करीब जो पिन कोड बंद है, अभी 300-400 खुल गए हैं, और अभी 1000 जो बंद है वो यहाँ से सर्विस देंगे पूरे इंडिया में, इंडिया पोस्ट का यहाँ से देंगे जो भी रहेगा। तो कुछ ही दिनों में एग्रीमेंट का चल रहा है उनके साथ, मे बी 1-1.5 महीने में ये सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम जो मैडम ने बताया अभी तक, तो उसके ऊपर ऑलरेडी काम चल रहा है। दूसरा हमारा जो गुड़गांव का वेयर हाउस है, उसमें हमने 1.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, यानी रैक बनाना, ट्रॉली, ऑटोमेशन, कंप्यूटर, 15 स्टेशन बने हुए हैं पैकिंग के, तो 1.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। यहाँ पे हमने 5 लाख का किया है इंफ्रास्ट्रक्चर में। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर डिपेंड है, ये यदि बढ़ जाता है तो हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे। अभी यहाँ पे 10 करोड़ का है, वहाँ पे 140 करोड़ का है। 140 करोड़ यहाँ से बहुत बड़ा वेयर हाउस है वो, 140 करोड़ का है, और वहाँ से यहाँ लाते हैं हम। जैसे कि आज एक टीम हमारी वहाँ के वेयर हाउस में गई है, यहाँ पे जो कम स्टॉक हुआ है उसको पैक करके भेज रही है, तो 4-5 दिन के बाद ट्रक आएगा यहाँ पे, तो उसकी प्लानिंग चलती रहती है, कौन सा यहाँ पे माल ज़्यादा बिक रहा है उसको वहाँ से यहाँ लेके आना। डायरेक्ट कंटेनर भी तो आ सकता है यहाँ से डॉक्टर, उतना अभी इतना डिमांड नहीं है यहाँ से, अभी इतना वॉल्यूम नहीं है, जब वॉल्यूम हो जाएगा तो वैसा भी सोचते हैं। हल्दिया पोर्ट नज़दीक है, हल्दिया पोर्ट से फ्यूचर में वही प्लानिंग होने वाली, वहाँ पे 1.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, यहाँ 5 लाख का है सिर्फ, तभी भी यहाँ के सिस्टम वैसे ही स्ट्रांग है जैसे वहाँ पे। तो अभी ये दिखाएंगे आपको पिकिंग करके, आप यदि एक्स्ट्रा प्रोडक्ट डालता हूँ तो क्या होता है, कम डालेंगे तो क्या होगा, आपको दिख जाएगा हमारी पैकेजिंग कैसे होती है। एक भी प्रोडक्ट जो हम लोग बोलते हैं कि बॉर्डर में कोई अगर हमें बोले कि प्रोडक्ट कम मिला है, वो जिंदगी में नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा सिस्टम कुछ ऐसा है। जब देखेंगे अगर एक्स्ट्रा प्रोडक्ट भी नहीं जाएगा, एक प्रोडक्ट कम भी नहीं जाएगा। अगर एक्स्ट्रा अगर कभी गलती से कोई लड़का उठा लिया जो हमारे कैरी करते हैं, तो वो प्रोडक्ट नहीं जाएगा, क्यूआर कोड बोलेगा ये एक्स्ट्रा है, कम रहेगा तो पैकिंग ही नहीं लेगा, मशीन आवाज कर रहेगा। तो हमारे जितने भी SKU है, मार्केटिंग मटेरियल छोड़ के, 2-4 छोड़ के, बाकी सब यहाँ पे है अवेलेबल, लिमिटेड क्वांटिटी में सेल बढ़ेगा, वैसे वहाँ से यहाँ लेके आते हैं। तो हम एक राउंड ले सकते हैं, पैकेजिंग मटेरियल दूर रखा है, जो अपना रेगुलर मटेरियल लगता है वो पास में रखा हुआ है। ये AC रूम है, तो अभी AC लगा नहीं है, इन्वेस्टमेंट चल रहा है, तो जो टेम्परेचर कंट्रोल के सामान है जैसे कि लिप बाम, सनस्क्रीन, ये हम अंदर रखते हैं, BB क्रीम ये अंदर रखते हैं, न्यूट्रासिटिकल मिक्स, कॉफ़ी, ये
उस रूम में रखा जाता है। तो यहाँ पे रूम भी छोटी है, वहाँ पे बहुत बड़ी है। तो एक एक विजिट करके आ सकते हो और मैं आपको चलते चलते वो दिखाऊंगा कि वो पिकिंग कैसे करता है। यस, सब पीछे पीछे आइए, देखते भी रहिए कैसे वो मालूम है। चलो चलो यहाँ से पता चलता है लाइन नंबर में E061 पे जाना है और वहाँ पे जाएगा, बारकोड को स्कैन करेगा तो वो प्रोडक्ट कौन सा है उसको पता नहीं है, उसको सिर्फ लोकेशन पता चलेगा। E0601 पे जाके माल उठाना है, अभी जा रहा है वो। कल जो दिया था यही अभी वहाँ पे गया, वहाँ से बारकोड स्कैन करेगा, बारकोड स्कैन करने के बाद जो खुला बॉक्स है उसमें से उठा के उसका बारकोड स्कैन करेगा। अभी क्वांटिटी कितनी दिखा रहा है, देखो वन क्वांटिटी है, 0x1, जैसे ही स्कैन करेंगे 1x1 हो जाएगा। बैच नंबर अभी देखो 1x1 हो गया होगा। अभी अगला प्रोडक्ट है इसमें कोई? हाँ, उसको प्रोडक्ट का नाम नहीं पता है, कुछ नहीं पता है, उसको लोकेशन पता है, किस लोकेशन पे जाके लेना है। तो हम लोग आज पूरा वेयर हाउस का विजिट हो रहा है, तो आप लोग भी यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ से हैंड पिकअप का भी ऑप्शन है। बारकोड से पता चल रहा है कि बारकोड मैच हो जाएगा, यहाँ पे जाना है, ये प्रोडक्ट उठाना है, कितना उठाना है, कोई नॉलेज विलेज कुछ नहीं है प्रोडक्ट। ये नहीं सही था वो, और एक ऑर्डर के लिए एक बॉक्स है और उसके ऊपर जैसे ही उसका ऑर्डर का क्वांटिटी कंप्लीट हो जाएगा तो स्टिकर निकलेगा, वो स्टिकर उस पर चिपक गया, इसका मतलब ये ऑर्डर अभी कंप्लीट हो गया, ऐसे वो हाँ ये ऑर्डर पूरा हो गया। अभी अगला वाले का निकल गया स्टिकर, अभी अगले वाले का स्टिकर का माल लेके आएगा, ऐसा वो सारे बॉक्सेस को फिलअप करके ये ट्रॉली पैकिंग में देगा, पूरा एक 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 करके ऑर्डर पूरा भर देगा। अभी अभी लेके आ रहा है, अच्छा अच्छा लेके आ रहा है वो बंदे।